हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो भगवान राम जब विश्वामित्र मुनि के साथ जाए थे तो सीतामढ़ी के बगल में उसी इलाके में वहाँ पर अहल्या स्थान में पहुँचते हैं। तो भगवान पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से कि ये मुझे विचित्र जगह लग रही है, कुछ अद्भुत लग रहा है। तो भगवान बताते हैं कि जो पत्थर है ये अहल्या है, ये गौतम मुनि की क्या है, पत्नी है। तो बता रहे तो फिर ये पत्थर कैसे बन गई। तो बता रहे कैसे, एक बार गौतम मुनि तपस्या कर रहे थे, नहाने के लिए गए थे, उस समय इंद्र के अंदर भोग की वासना आ गई। तो इंद्र देव, अहल्या बहुत सुंदर थी, तो इंद्र देव अहल्या के साथ भोग करना चाहते थे और इंद्र देव भी बड़े सुंदर थे। तो अहल्या के पास भोग करने के लिए अपना गौतम मुनि का रूप ले लिए। गौतम मुनि का क्या ले लिए, वो रूप ले लिए, अहल्या के पास गए। तो अहल्या के पास जब वो गए और उसके साथ भोग करने लगे, अहल्या को थोड़ा आइडिया बैठ गया। फिर भी अहल्या ने, उसके अंदर भी वासनाएं थी, और दोनों ने संभोग किया। फिर थोड़ी देर में गौतम ऋषि आने लगे, इंद्र को डर था तो इंद्र वहाँ से भाग गए। तो गौतम ऋषि को समझ में आया कुछ तो, कोई तो भागा है। तो अपनी योग दृष्टि से देखा तो देख लिया कि इंद्र यहाँ पर आके गलत किया। तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया, जिसके कारण इंद्र बोल इतना ज़्यादा भोग करना चाहता है, एक स्त्री का शरीर जो केवल मांस चमड़े से बना हुआ है, उस स्थूल शरीर में कुछ सुख नहीं है, फिर भी आदमी मान लेता है ये भौतिक जगत में असत चीज़ों में सुख खोजता है। तुम्हें इतना ही ज़्यादा अगर लग रहा है कि आनंद स्त्री के साथ संग करने में है, तो उनके शरीर में पूरा शरीर भर में क्या दे दिया उन्होंने, स्त्री की योनि को दे दिया। फिर इंद्र को बहुत अच्छा ही लगा था, सब जगह उसके शरीर में स्त्री की योनियाँ हो गई। तब उन्होंने जब क्षमा याचना मांगी तो उनको सब जगह पे आँख दे दी, इसलिए इंद्र के हजारों आँख हो गए शरीर में। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शोधन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई गलती करे तो उसे जब आप पनिशमेंट देते तभी उसको थोड़ा सा सुधार का विचार आता है। तो बोला देखो, आपने थोड़ा सा भी धर्म अधर्म का चिंतन नहीं किया, तो इसीलिए आप एक जानवर के सामने जड़ व्यक्ति के समान आपने व्यवहार किया, इसीलिए आप जड़ बन जाओ, पत्थर बन जाओ। इसलिए वो क्या बन गई, तो बहुत क्षमा याचना मांगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आदमी से गलती होती है, लेकिन अगर भगवान की शरण ले तो आदमी गलतियों से ऊपर उठ जाता है। तो बोला आप देखो, भगवान का स्मरण करो तो आपके लिए भगवान राम स्वयं आके आपका उद्धार, जब उनके चरणों के रज आपके ऊपर पड़ेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो फिर वह अहल्या स्थान पर जब भगवान राम जाते हैं, वैसे भगवान के चरण कमल वहाँ पड़े, वैसे अहल्या का उद्धार। तो अहल्या का उद्धार भगवान के चरण कमल के रज से हुआ कि नहीं, हाँ नहीं हुआ, कैसे हुआ, हाँ यस, वो भी था, भगवान का नाम ली, ऐसा मेंशन नहीं, हाँ। लेकिन तो बेसिकली देखने से द इमीडिएट कॉज वॉज भगवान के चरण कमल का रज, बट मेन जो था वो इतने सालों से शी वॉज बेगिंग फॉर दैट। कोई आदमी एक बार नाम करता है तुरंत शुद्ध हो जाता है, अजामिल ने भी बहुत बार नाम ले चुका था, अजामिल इधर आओ, अजामिल अपने नारायण इधर आओ, नारायण खाओ। तो हमारे जीवन में भी लस्ट इत्यादि हमें जड़ के समान बना दिए, शरीर एकदम, भक्तिवन ठाकुर बोलते हैं इतना ज़्यादा भौतिक चेतना है, मतलब निकल लगता है कैसा इतना हैवी बंधन है कि निकल ही नहीं पा रहे। वी डोंट वांट टू बी लस्टी बट अंदर से वासनाएं आ रही,
भक्तिवन ठाकुर यहाँ प्रार्थना करते हैं, कर्मे जड़ मोती न जानो भोकोती कर्मे जड़ मोती। मतलब भगवान इस शरीर में एकदम मतलब जाती नहीं है शरीर की चेतना, कितना भी ज्ञान हो जाए लेकिन शरीर की चेतना आपको एकदम नीचे एकदम टान लेती है, काम वासना लोभ वासना एकदम ऐसा लगता है कि आदमी एकदम जैसे मान लीजिए कटहल काटेगा कोई बिना ऑयल के तो फिर हाथ से वो स्टिकी सब्सटेंस जाता ही नहीं, या कभी आप चपाती बनाएंगे गोला बनाएंगे उसका तो फिर आप सोचोगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हट जाए तो जल्दी हटता नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कि नहीं, देखने में लगता है बस हो जाएगा लेकिन हटता नहीं। वैसे ही कभी कभी ये वासनाएं बहुत मुश्किल हटती नहीं है। आप सोचिए ठीक है वो चक्कू लेके ना कहाँ पर है बताइए, हृदय में है, भोंक लेते हैं और निकाल देंगे पूरा ऑपरेशन करके। क्या MD हार्ट स्पेशलिस्ट भी निकाल सकता है? मर जाएगा लेकिन वासना अगले जन्म में वासना ट्रांसप्लांट होगी। इवन आप बॉडी को खत्म भी कर दो फिर भी वासना खत्म। सनातन गोस्वामी को लग रहा था कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, उनका शरीर अब अशुद्ध है, भगवान की सेवा कर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ रथ के सामने आकर। मगर महाप्रभु ने बोला सुसाइड करने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं एक सेकंड में कोटि बार सुसाइड। तो सुसाइड करने से या चक्कू भोंक लेने से ऐसे इच्छाएं खत्म नहीं हो। तो बोल रहे कुबुद्धि छाड़ सनातन, कुबुद्धि को छोड़ो, करो भजन कीर्तन, आप भगवान का नाम कीर्तन करो, इससे आपका हृदय शुद्ध। श्रीणवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, समझ रहे? तो आप भगवान का नाम लेंगे तब आपका हृदय क्या होगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए साधकों को विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म के, कि अगर मैं भगवान का नाम अच्छे से लूंगा तो मेरा हृदय भगवान की कृपा से जरूर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा अटेंशन के साथ पूरा मेहनत करना चाहिए, वो एक प्रयास भक्ति है। तो ध्यान पूर्वक नाम जप करने से आप देखेंगे और चेतना के साथ प्रार्थना के साथ भगवान अई नंद तनुजा किन करम पतिता माम विस्मिन, कि भगवान मैं आपको छोड़ के दुनिया में बहुत सफ़र कर रहा हूँ, बड़ो दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवो ने दुख दूर गेलो ओ पद बरणे, ए भगवान आपको मैं छोड़ के आया बहुत कष्ट पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे निकाल ले, आई नंद तनु यकीन करो पतिताम माम, नीचे गिर गया हूँ भगवान। एक फोटो आप लोगों ने देखा हो गजेंद्र का, जैसे गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं या द्रौपदी पुकार रही है या कोई आदमी बड़े सागर में गिर गया है, क्या होप है उसका। तो वैसे ही हमें भी निसहाय अवस्था से भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान आप ही मुझे निकाल। तो अहल्या का ऐसा भाव था, जब भाव के साथ ऐसा कर रही थी भगवान का जैसे चरण कमल पड़ा तुरंत वो शुद्ध हो गए। तो ऐसे हम लोग भी अभी अहल्या की तरह पत्थर की तरह हो गए, भक्ति भावना आती नहीं है और लष्ट भावना जाती नहीं है, लेकिन अगर भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे तो एक दिन जरूर भगवान राम आपके जीवन में आएंगे और आपको हृदय शुद्ध कर देंगे और आपको भी भगवान के प्रति फिर आप चेतन हो जाएंगे। और ये कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सरल तरीके से, प्रभुपाद जी पे विश्वास था, जैसे अहल्या पे विश्वास था गौतम ऋषि पे, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद हमेशा बोलते 16 अटेंटिव राउंड। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे राम, तो 100% हम भगवान की सेवा के लिए ज़्यादा फिट हो जाएंगे। हरे नाम प्रभु की जय।